चलिए आज बनाते हैं डिफरेंट स्टाइल के चाट, हॉट क्रिस्पी एंड स्पाइसी शकरकंद की चाट। वेलकम टू पोज देसी किचन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शकरकंद में मिट्टी बहुत होती है, इसलिए हम इसको एक स्क्रबर से साफ करेंगे, जिससे इसकी मिट्टी और स्किन दोनों अच्छी तरह क्लीन हो जाएंगे। शकरकंद अच्छी तरह क्लीन हो चुकी है, अब हम इसको थोड़े थिक स्लाइसेस में काट लेंगे। एक बड़े बर्तन में पानी गर्म कर लेंगे, उसके ऊपर छलनी रखेंगे, शकरकंद कटी हुई को इसके ऊपर रख देंगे और कवर करके इसको स्टीम करेंगे। 50-60% ही हमें इसको कुक करना है। शकरकंद हाफ कुक हो चुकी है, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। ठंडा करने के लिए इसको हमने बोर्ड के ऊपर फैला दिया था, अब हम इसके छोटे स्लाइसेस कर लेंगे। एक कढ़ाई में ऑयल गरम किया है, शकरकंद को अब हम क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। शकरकंद को बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिससे कि ये इवनली गोल्डन ब्राउन फ्राई हो। सारी शकरकंद के पीसेस इसी तरह फ्राई कर लेंगे। शकरकंद को बोल में निकाल लिया है, अब हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करते हैं। जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, जिंजर पाउडर, हींग, ब्लैक सॉल्ट और ये हरी मिर्च को सुखाकर उसका पाउडर बनाया है वो ऐड करेंगे। ग्रीन चटनी ऐड करेंगे इसमें, इमली की खट्टी मीठी चटनी ऐड करते हैं इसमें, प्लेन सॉल्ट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हाफ लेमन जूस ऐड करेंगे। सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमारी क्रिस्पी हॉट एंड स्पाइसी शकरकंद की चाट बनके तैयार है।